खबर बलिया जनपद से, जहां लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बलिया में सभी राजनीतिक दलों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। बलिया में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और सभी को हिरासत में ले लिया। वरिष्ठा विधानसभा के सपा कार्यकर्ताओं ने भी रशा गांधी पार्क मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्यारे लाल चौराहे पर पहुँच कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने इस प्रयास को असफल कर दिया और पुतला को छीन लिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। हर जगह हर गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि इस सरकार में अपने हक को मांगने वालों की हत्या कर तक कर दी जाती है। अब तो हद हो गई है, या तो सरकार किसान बिल वापस ले या फिर सरकार वापस जाए। पर्चे बताए। मैं मान सिंह सेंगर, रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से, बागी बलिया से, माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। आज गांधी पार्क में कैसा धरना था? लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी ने एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति को, अजय मिश्र टेनी को, वहां से टिकट देकर के वहां सांसद बनाया और फिर केंद्रीय मंत्री बनाया। माननीय मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले एक जनसभा में खुलेआम चैलेंज कर रहे थे कि हमारा जो विरोध करेगा और किसान आंदोलन का में जो लोग शरीक होंगे और किसान बिल के विरोध में जो बोलेगा हमारे सामने आएगा तो उसको उसकी छठी का दूध याद दिला देंगे। अगर जिसको मेरे बारे में न पता हो, मेरा इतिहास न पता हो कि मैं सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री होने से पहले क्या था, वो मेरे बारे में पता कर ले कि मैं कौन हूं। दो मिनट किसी को अपने सामने टिकने नहीं दूंगा। इस तरह का चैलेंज दिया था अजय मिश्र टेनी ने। अजय मिश्र एक दबंग और आपराधिक किस्म के, आपराधिक छवि वाले नेता हैं और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने केंद्र मंत्री बना रखा है और उनके द्वारा आंदोलनरत किसानों के ऊपर उनकी गाड़ी से चढ़ा करके आंदोलनरत किसानों को मार दिया गया। कई सारे किसान उसमें घायल हो गए, कई सारे किसान मर गए। और उन किसानों से, उन परिजनों, किसान मृतक किसानों और घायल किसानों के परिजनों से हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मिलने जा रहे थे, उनके दुख में शामिल होने जा रहे थे। योगी सरकार उसको देख नहीं पाई, रास्ते में उनको अरेस्ट करा लिया, गिरफ्तार करा लिया। रात से ही उनके आवास के सामने लोग जो है पहरे पे लगे हुए, पुलिस पूरी जो है उसको छावनी बना रखा है उनके आवास को। उसके विरोध में, अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी के विरोध में आज हम लोगों ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया और उसके बाद पैदल चौराहे पर जाकर के जुलूस निकाल करके जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हम लोगों ने पुतला फूंक करके विरोध किया कि योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। पुतला दहन के दौरान क्या पुलिस ने रोका नहीं पुतला दहन के लिए आप लोग को? पुलिस योगी आदित्यनाथ सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की शागिर्द है और वो रोकने का प्रयास करेगी ही करेगी। उसने रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ऊपर भी चढ़ के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार का और योगी आदित्यनाथ का, देश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का हम लोगों ने काम किया है और संदेश देने का काम किया है कि तुम चला करके छह किसानों को मौत के घाट उतार दिया और दर्जनों किसान घायल हो गए जो जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं हॉस्पिटल में। ये निंदनीय घटना है। यही किसानों का हाल जानने के लिए और उनके परिवार से मिलने के लिए किसानों के समर्थन में लखीमपुर जाने की घोषणा किए थे। रात से ही घर उनके पुलिस चारों तरफ से घेर लिया है, उनको घर से निकलने नहीं दे रही थी। किसी तरह घर से निकल के सड़क पर धरने पर वहाँ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल जी बैठे हैं और हजारों किसान बैठे हुए हैं। उन्हीं के पक्ष में, किसानों के, अखिलेश यादव के पक्ष में समाजवादी पार्टी बलिया राजमंगल लाजो अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। जहां तक मंत्री के बेटे की बात की है तो उनका पक्ष ये सामने आया है कि किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोग जो है जानबूझकर उनको रोकने की कोशिश की है और उनको मारने की कोशिश की है, लिहाजा उस दौरान भागते समय जो है हादसा हो गया। तो क्या किसान आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको हिंसक आंदोलन की तरफ लेकर जा रहे हैं? ये कहा जाता है, गांधी जी जब आंदोलन कहे, आज़ादी के आंदोलन में भी अंग्रेज यही कहता था कि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए। हम लोग जयप्रकाश आंदोलन में थे, हम लोगों के ज़माने में यही कहा जाता था कि जयप्रकाश आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस गए। हर कोई आज़ादी या लोकतंत्र बहाली का होता है तो सरकार के लोग यही बात कहते हैं। वो तो अपना एम से गए थे मारने के लिए, उनको न कहीं रोका। आप सीसीटीवी फुटेज होगा, आप लोगों का कैमरा वहाँ परमानेंट थे, कहाँ वो दिखला दिए वो किसान उनको मरते हुए।
कोई चैनल दिख रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के मौत के घाट उतारा है किसानों। तो आखिरकार किसान आंदोलन कहां जा रहा है? किसान आंदोलन तब तक जाएगा या तो सरकार उनकी बात मान ले या नहीं तो सरकार जाए। दो ही सूरत है, या तो सरकार जाएगी नहीं तो सरकार को किसानों की बात मानना पड़ेगा। तो किसान तो सरकार तो तैयार नहीं है किसानों की बात मानने को, वो कह रही है तो किसान जान तो किसान उसमें आप हमसे वार्ता करिए, हम उसमें संशोधन। वार्ता 8-8, 10-10, 14 बार हो चुकी है। ये सरकार तानाशाह रवैया अख्तियार किए हुए, वो किसी तरह से लोगों को जान मान के जनसंख्या कम करना चाहती है। 4 साल में उत्तर प्रदेश, 4.5 साल में सरकार उत्तर प्रदेश की फेल हो चुकी है। अब यही वो मौत मार पुलिस के द्वारा, प्राइवेट के द्वारा अपने से हत्या करके, मार के, पीट के, दहशत फैला करके, डरा धमका करके वो सरकार बनाना चाहती है, जो संभव नहीं है। जब हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं तो जब अंग्रेज जैसा आदमी यहाँ से भाग खड़ा हुआ तो ये मोदी जी, योगी जी हिंदुस्तान की जनता के आगे टिकने वाले नहीं है।